नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। आजादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं और आज हम भारतीय संविधान दिवस मना रहे हैं। जी हां, आज ही 26 नवंबर के दिन हमारा संविधान बनकर पूरा हुआ था। संविधान से जुड़े हुए विषयों पर हम चूंकि लगातार बात कर रहे हैं, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान के तौर पर राजेंद्र सिंह बिहाड़ है, जो सीमांत बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर सक्रिय हैं। राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ इनकी सबसे बड़ी खासियत बात है कि ये पढ़ते बहुत हैं, अध्ययन बहुत करते हैं संविधान से जुड़े हुए विषयों पे और भी जनता से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पे। तो बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र सिंह जी आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। तो हम ये जानना चाहते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था में हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र चुना, और इस यात्रा को आज इस खास संविधान दिवस के मौके पर आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, चुनाव के समय तो जो चैलेंजेज हमारे संविधान निर्माताओं के सामने थे, आप देखिए कि हमारा देश लंबी गुलामी जिसकी रात से आज़ादी का सवेरा उन्होंने देखा। पहले मुगलों का राज रहा, उसके बाद में अंग्रेज आए और अंग्रेजों से जो है भारत की जो है गुलामी से मुक्ति होकर हमको आज़ादी मिली जी। तो हमारे सामने चैलेंज था, इतने विविधतापूर्ण भारत में, इतने विविध हित समूहों के बीच में बढ़िया समन्वय करके देश को एक रख करके और देश को आगे ले जाने का एक जो सामूहिक चैलेंज संविधान निर्माताओं के सामने था जी। मैं ऐसा समझता हूं कि उन्होंने उस पर तो बहुत खूबसूरती के साथ काम किया जी। लेकिन समय के साथ में जो जो चुनौतियां आती गई, उन चुनौतियों पर और जिस तरह से दुनिया बहुत तेजी के साथ भारत की आज़ादी के बाद में बदलती रही, भारत की आबादी बढ़ती रही, चुनौतियां बढ़ती रही जी। बाद के वर्षों में जितनी सिंसियरिटी के साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लोकतंत्र को स्ट्रेंथन करने के लिए जो शुरुआती काम किया था, बाद के वर्षों में मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बड़ी लैक रही, बड़ी कमी रही। किस तरह की कमियां आपको नजर आती है कि क्या होना चाहिए था और क्या हो गया? देखिए, पहली कमी जो मुझे सबसे जो अखरने वाली कमी है वो तो हमारा जो चुनावी सिस्टम है, जो चुनाव व्यवस्था है, आप देखिए कि वो पूरी एक तरह से कोलैप्स होने के कगार पर आ गई। लोकतंत्र का जो माध्यम है वो जनप्रतिनिधि है जी, जो हमारी चुनाव व्यवस्था है, लेकिन उस चुनाव व्यवस्था में समय के साथ इतनी बड़ी खामियां आ गई कि उन खामियों का यदि हम रेक्टिफिकेशन समय रहते नहीं करेंगे तो एक तरह से चुनाव ये बेमानी हो जाएंगे। आप देखिए, मैं एक उदाहरण से आपको अर्ज करूँ कि जब भारत की पहली पार्लियामेंट बनी तो बेस्ट देश के जो बेस्ट माइंड थे वो पार्लियामेंट में थे, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, लेकिन डिग्रेड होते 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 आज ऐसी स्थितियां बन गई कि कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से इधर उधर से करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी इकट्ठा करके, दो नंबर का धंधा करके और बड़ी शान के साथ वो जो है लोकतंत्र के माध्यम से इस व्यवस्था पर काबिज होना चाहता है, जिसके मन में जनता के प्रति न कोई संवेदना है, न स्नेह है जी, न उसके पास कोई विजन है कि मुझे क्या करना है। जब पार्लियामेंट और विधानसभाएं इस तरह के लोगों से भर जाएगी तो आप देखो, करोड़ों अरबों का हमारा मुल्क है और जिसकी सारी व्यवस्था उन लोगों के ऊपर निर्भर है, और उस पूरे घेरे के अंदर इस तरह के लोग आ जाएंगे जो केवल पैसे के माध्यम से आ रहे हैं, केवल जो है मनी और मसल पावर के या कास्ट के ध्रुवीकरण से आ रहे हैं, तो कितनी अफसोस की बात है। और संविधान निर्माताओं की जो भी कल्पना रही होगी इस देश को लेकर के, उस कल्पना पर ये चुनावी सिस्टम जो है ये बहुत भारी पड़ रहा है। तो इसकी जो वजहें रही है कि ऐसा क्यों हो गया, तो ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान में जो पहले शब्द हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही संप्रभु है, यही लोग चुनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण है, कोई भी संप्रभु नहीं है, जनता को संप्रभु माना गया, और उसके पास 5 साल में एक बार अवसर आता है, और अवसर भी सिर्फ इतना आता है कि वो अपना जनप्रतिनिधि बदल दे ज्यादा से ज्यादा। उसके पास राइट टू रिकॉल नहीं है, और चुनने के बाद जनप्रतिनिधियों में किसी तरह का डर भी नहीं है। चुनाव आयोग एक बड़ी संस्था है और जनप्रतिनिधियों के लिए बने कानूनों में विधायिका के साथ साथ सबसे बड़ा जो पावर है वो न्यायालयों के पास है कि वो उनको बाउंड कर सकते हैं। तो क्या नहीं लगता कि कहीं ये जो चैनल्स हैं जो निर्धारित किए गए हैं कि जनप्रतिनिधि अपने दायरे में, अपनी हद में या जनता के लिए बहुत प्रभावी तरीके से उसी तरह काम करें जिस तरह से संविधान ने सोचा है, संविधान ने तय किया है? आपने ठीक कहा है कि पहला फर्ज तो जनता का है कि जनता ठीक रिप्रेजेंटेटिव को चुने,
जनता को विकल्प नहीं मिलता, जनता को विकल्प नहीं मिलता, ये जनता की पोजीशन है, ये बात भी ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो जिम्मेदारी है, मैं ये समझता हूँ कि जो सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनका काम केवल वोट बटोरना ही नहीं है, उनका काम जनता को एजुकेट करना भी है कि आपको किस तरह की लीडरशिप चुननी है और क्यों चुननी है, क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या मुद्दे हैं, किस बात पर आपको अपना नेता चुनना है, किस बात पर आपको अपना विधायक चुनना है, किस बात पर आपको अपना सांसद चुनना है, किस बात पर आपको अपना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनना है, इस बात की अकाउंटेबिलिटी वोटर से भी, वोटर इस बात के लेकर के जो उसकी पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसको बढ़ाने का काम भी नेता का है। वो नेता उसको एजुकेट करे, नेता उसको बताए कि भाई अब मैं तो, मुझे बड़ी अफसोस है, मैं आपको कैसा लगेगा मुझे नहीं पता कि सोशल वर्क से लीडर निकलता था जी, और अब डिग्रेड होते होते सोशल मीडिया नेता निकालने की मशीन हो गई। ठीक है, अब वो क्या क्या आ गया, इतने लाइक्स है, इतनी फर्जीवाड़े से बातें हो रही है जिनका कोई कनेक्ट नहीं पब्लिक से। अच्छा, वो क्या बनने लगी आजकल रील, ठीक है, उस पर अजीबोगरीब गानों के साथ लोग बनाते हैं अपनी उस पर, और जो रियल करेक्टर है उसके बजाय रियल करेक्टर आ गए। तो हमारा जो नौजवान जो पीढ़ी है, विशेष रूप से मैं नौजवान पीढ़ी को कहना चाह रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया जो है इसका बहुत तरीके से आप इस्तेमाल करो, इसके माध्यम से लीडरशिप मत ढूंढो, लीडरशिप सोशल वर्क के थ्रू, विजन के थ्रू, उसके पास में क्या है इलाके को आगे ले जाने को लेकर के कोई दर्शन है। और दूसरा, जनता के बीच में एक जो पैसे ने जिस तरह से जीवन मूल्य के रूप में स्थापना कर दी है, किसी के पास में, मुझे बहुत, हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लोग जो बिल्कुल विशुद्ध रूप से दो नंबर का काम करने वाले लोग हैं, वो पंचायती राज में लोगों को परचेज करके और आगे पदाधिकारी बन गए, और वही लोग चाहते हैं कि हम एमएलए एमपी बन जाएंगे कल। तो मतलब कितनी अफसोस की, और ये दोनों के सामने चैलेंज है, जो एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर है उसको भी ये चैलेंज है कि उस तरह के लोगों का यदि पब्लिक स्वीकार कर रही है तो ये उसका फेल्योर है, और पब्लिक के सामने चैलेंज है कि वो अपने इलाके का भविष्य इस तरह के लोगों को दे रहे हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं है। तो एक तरह से जो सियासत, जो एक पार्टी यहां से लोगों को टिकट दे रही है, जनता क्या करे, राजनीतिक पार्टियों के पास जवाब है, जनता ऐसे लोगों को चुन रही। मैं ये कोई मतलब ब्लेम शिफ्टिंग के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मूल रूप से अभी अपन राजनीतिक दल भी जिम्मेदार है। जब मैं कह रहा हूं कि नेता जिम्मेदार है, तो नेता कहां काम कर रहे हैं, राजनीतिक दलों में ही काम कर रहे हैं। तो जो एक मिशनरी वर्क था, जो सार्वजनिक जीवन एक मिशन था, राजनीति जो एक मिशन था, वो प्रोफेशन में तब्दील हो गया जी। तो जब कोई चीज प्रोफेशन बन जाएगी, उसमें सेवा की भावना आ जाए, कोई दो, मुझे किसी से वो नहीं है, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि एक पॉलिटिकल वर्कर जो ग्रास रूट से उठ के धीरे धीरे डेवलप होते होते और जनता का रिप्रेजेंटेटिव बनता है, वो बहुत ज़्यादा ठीक है बनिस्पत उनके जो बहुत से अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे ये आपके बिजनेसमैन हो, वो लोग जनता से उतने कनेक्ट नहीं होते, जनता के प्रति उनकी संवेदना, सेंसिटिविटी, उन सब में, ये बिल्कुल अनुभव से कह रहा हूँ मैं आपको। आपको लगता है ISRS जो रिटायर होके आते हैं, आपके सीमांत जिलों में भी कुछ नेता बने हैं, मैं किसी को व्यक्तिगत देखो नहीं कहना, कोई इसको नहीं समझे, लेकिन मैं इस पूरे जो ये प्रक्रिया है कि मतलब आप उससे करके और फिर आप आ जाते हो, और फिर लगता है कि आपको पावर से बाहर रहने की आदत नहीं है, तो नौकरी के माध्यम से पावर को एंजॉय किया, अब जो है पॉलिटिकल पोस्ट के माध्यम से पावर है, कोई सेवा के नाते, सब ऐसे होते ऐसे मैं नहीं कहता, लेकिन कोई सेवा के लिए आना चाहता हो तो उसका सदैव स्वागत है, उसको आना चाहिए, किसी के लिए रोक भी नहीं है, संविधान भी नहीं रोकता। हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, हमने ब्रिटेन के संविधान से बिल्कुल ये लिया है, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, वेस्टमिंस्टर जो है, वेस्टमिंस्टर पद्धति को हमने लिया है। हमने उसी ब्रिटेन में पिछले महीने ये देखा कि 45 दिन पहले एक प्रधानमंत्री चुनी गई, कि मैं किसी एक पूर्व प्रधानमंत्री के फेल्योर के कारण उसी की पार्टी ने चुना कि भाई ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, सांसदों ने तय किया, और अब लिज ट्रस्ट जो है वो प्रधानमंत्री होंगी। 45 दिन में वो फेल हो जाती है, तो फिर सांसद ये डिमांड करते हैं कि ये नहीं रहने चाहिए, अब ये रहने चाहिए। तो हमने पद्धति वहाँ से ली है, भारत में भी कई बार ऐसे क्षण आए हैं, भले वो मौजूदा व्यवस्था हो या इससे पूर्व की व्यवस्था, बदलाव कहीं ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो हमारी जो संसद है, क्या उसमें इतनी ताकत हमारा संविधान उन्हें देता है कि वो अपने प्रधानमंत्री को बदलने के बारे में सोच भी सकें? भारत की संसद में तो ये ताकत अंतर्निहित है, जो संसद प्रधानमंत्री बनाती है जी,
वही संसद प्रधानमंत्री हटाती रही है। विद इन पार्टी, पार्टियों का अपना एक सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, कई तरह की पॉलिटिक्स होती है, लेकिन भारत की संसद ने प्रधानमंत्री हटाए हैं जी, भारत की संसद ने प्रधानमंत्री हटाए हैं। मोरारजी देसाई को भारत की संसद ने हटाया, चौधरी चरण सिंह को भारत की संसद ने हटाया, वीपी सिंह को भारत की संसद ने हटाया, चंद्रशेखर को भारत की संसद ने हटाया, देवेगौड़ा को रिप्लेस करके गुजरात संसद से आए, वाजपेयी 13 महीने बाद संसद के पावर से हटे। तो संसद अपने आप में ये काम करती रही है। आप ये पूछना चाहते हैं कि विद इन पार्टी भी कई बार होता है कि भी ऐसा हो, तो वो तो पार्टी क्या सोचती है, देश क्या सोचता है, क्या लीडरशिप है, क्या जिस जो ब्रिटेन के सामने जो आज चैलेंज है वो चैलेंज अलग नमूने के हैं। भारत के सामने बड़ा एक ये था कि जब कॉलिशन एरा चल रहा था तो सब लोगों को लगता था कि ये क्या है, साल भर बाद सरकारें जा रही है, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में बार बार चुनाव होना, हर 1.5 साल बाद चुनाव हो जाना, इससे अच्छा है कि एक स्थिर सरकार चले और एक अच्छा नेतृत्व आए। आपने देखा होगा कांग्रेस जो है वो तंज कसती थी इन सरकारों पर, भाई स्थिर सरकार लानी हो तो कांग्रेस को चुनिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बाकी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये प्रूव कर दिया, 3 सरकारें लगातार चला करके, कि कांग्रेस के सिवाय भी इस देश में पार्टियां हैं जो स्थायी सरकार और एक स्थायी नेतृत्व दे सकते। जी जी, तो हम बेसिकली चूंकि आज संविधान दिवस है और संविधान पे ही बात करते हैं कि संविधान ने शक्तियां तो दी हैं, लेकिन जिनको दी हैं वो उपयोग करने में कहां पीछे रह जाते हैं। एक चुनाव सुधार की बहुत ज़रूरत है, जो एक बड़ी जो मैं अपने पहले ही सवाल उठाया कि चुनाव सुधार होना चाहिए। आप देखिए जब करोड़ों रुपये पैसे लग रहे हैं तो आपकी जो है मैक्सिमम आबादी तो चुनाव के उससे बाहर ही हो गई। जी बिल्कुल, आप जब करोड़ों रुपये मान लो एमएलए एमपी के चुनाव में लगेंगे तो कोई चुनाव कैसे एक सामान्य आदमी चुनाव लड़ने की सोच सकता है। तो ये तय हो गया कि जो जिसके पास 10 20 50 करोड़ रुपए नहीं है वो तो चुनाव का आदमी नहीं है, तो आपकी गैर बराबरी तो वहीं स्टेब्लिश हो गई। चुनाव सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रांगली ज़रूरत है, और जो सीमा तय कर रखी है अभी उसके लिए चुनाव आयोग में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, उसमें कहाँ नेता गलियाँ निकाल रहे हैं, क्या हो रहा है, इस पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना जनता ठगी जाती रहेगी। आप देखिए जो करोड़ों रुपए कमा कर, उसकी दोस्ती जो करोड़ों रुपए का चुनाव लड़के लड़ रहा है उसकी दोस्ती करोड़ों कमाने वालों से होगी, उसको लगेगा वसूलना भी चाहेगा, उसको लगेगा कि 4 ठेकेदार मेरे दोस्त होने चाहिए, 4 2 नंबर का धंधा करने वाले मेरे दोस्त होने चाहिए। वही लोग उसके कोर होंगे, जो पॉलिटिकल वर्कर जो गांव का गरीब आदमी है वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको पता है कि कल चुनाव में मुझे करोड़ों रुपए ये देंगे, चंदा चिट्टा ये देने वाले हैं। बेसिकली ठेकेदार और तस्कर टाइप के लोग या तो लड़ रहे हैं या लड़वा रहे हैं। एक नेक्सस बन गया, सब लोग, बहुत से जेन्युइन पॉलिटिकल लोग, पुराने नेता, ये सब चिंतित है इस बात को लेकर, लेकिन जनता को क्यों चिंता नहीं हो रही है मुझे पता नहीं है। ठीक है, जनता किस मुगालते में है उसका, जनता को एक प्रतिनिधि चाहिए जो उनकी बात उठा सके, तो ऐसे प्रतिनिधि चाहे पीआईएल के माध्यम से जुडिशरी के पास जाए या विधायिका में बैठे हुए लोग कोशिश करें, तो ये इस तरह की कोशिशें जरूरी। विधायिका में बैठे हुए लोग जो कोशिश करना वो ज्यादा एक उचित प्लेटफॉर्म है जनता की, अभी भी विधायिका में सारे लोग वैसे नहीं आए हैं, अच्छे लोग भी हैं, बहुत सब दलों की ओर से बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हीं के कारण तो सिस्टम चल रहा है। आपकी चिंता वाजिब है कि कुछ लोग आ रहे हैं और उन आने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। लोग नहीं, बड़ी मात्रा में लोग आने शुरू हो गए, और जो है नीचे लोगों की हिम्मत, ऐसे लोग जो समाज की मुख्य धारा में इन सामान्य चलन में नहीं आ सकते थे, लेकिन वो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी अर्जित कर रहे हैं चुनाव से पैसे खर्च करके, और उस लेजिटिमेसी से मुख्य धारा में, उनमें सुधार होना चाहिए हर व्यक्ति में, अपराधी भी सुधरना चाहिए, हम ये कह रहे हैं, लेकिन वो जो है पावर ग्रैब करना चाहते हैं, ये बड़ी खतरनाक। एक जैसे हम इलेक्शन को देखते हैं तो भारत में द्वैध व्यवस्था सी नजर आती है, राज्य निर्वाचन आयोग के कायदे अलग हैं, अपराधी मुकदमा है तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता, 2 बच्चों से ज़्यादा है तो चुनाव नहीं लड़ सकता कुछ राज्यों में, और जो केंद्रीय चुनाव आयोग के अलग कायदे हैं। तो क्या एक देश एक चुनाव का तरीका, मैं ये नहीं कहता एक साथ चुनाव हो, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें मान लो, जो हिस्ट्री शीटर थाने का चुनाव लड़ रहा है, एमएलए का चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते कि सजा याफ्ता नहीं हो, लड़ सकता है, दूसरी ओर उधर तो नहीं लड़ सकता राज्य निर्वाचन आयोग में। पंचायती राज का कानून जो है, जैसे हमारी स्टेट में लागू है, पंचायती राज के कानून में जैसे संतान का एक बैरियर है, निकायों वाले में स्थानीय निकाय और पंचायती राज निर्वाचन आयोग दोनों में है, ठीक है, तो वो एक कानून बना हुआ है, तो उसके लिए वहां भी एक कानून की जरूरत है। तो ऐसे जो जो कानून हो सकते, मैं ये तो कह रहा हूँ कि चुनाव सुधार कानून भी है, चुनाव सुधार में कि आप
सही हैं अपनी पार्टी में और इंटरनल विरोध दर्ज कराते हैं कि पार्टी यहां गलत है और वो अगर पार्टी छोड़ते हैं तो उन्हें अपनी सदस्यता से भी इस्तीफा देना होता है, अगर पार्टी निकालती है तो बात अलग है। तो ये कहां तक ठीक मानते हैं उसको कि भाई जो व्यक्ति मान लीजिए पार्टी में इंटरनल विरोध कर रहा है और विरोध स्वरूप वो पार्टी छोड़ रहा है और उसे सदस्यता गंवानी पड़ेगी? जो कुछ रेक्टिफिकेशन करना चाहिए, जैसे विद इन पार्टी भी इंटरनल डेमोक्रेसी कैसे मजबूत हो, क्योंकि ये सब चीज़ें तो जिस दिन संविधान बना था उस दिन तो हमने एक्सरसाइज नहीं की, तो उस दिन ये सवाल नहीं थे। बहुत से सवाल जब हमने डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज किया तब खड़े हो गए आचरण से व्यवहार से। आपने देखा बीच में आया राम गया राम की व्यवस्था बहुत ज़्यादा हो गई तो दल बदल विरोधी कानून आ गया। तो ऐसे ही कुछ कई चीज़ें हैं व्हिप के सिवाय जो पार्टी का फोरम होता है उस पर भी लोगों को बात करने का अवसर मिलता है। अब ये नेतृत्व पर है कि कितना किसको क्या स्पेस मिलता है। ये जैसे कांग्रेस के ज़माने में, इंदिरा गांधी के ज़माने में लोगों की हैसियत ही नहीं थी कि जो उनके सामने बोलते तो इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है, लेकिन अटल जी के ज़माने में, बाद में दूसरी पार्टियां जब आ गई, भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, तो उसमें खुल करके जो है मंत्री लोग अपनी बात कहते रहे। पर कांग्रेस में कुछ समय तक इंटरनल चुनाव तो होते ही रहे हैं, चंद्रशेखर भी एक बार जीते थे जो CWC का जो इलेक्शन था, तो चुनाव होते रहे हैं। बीजेपी में इस तरह का थोड़ा नजर आया नहीं, वो सिंबोलिज्म करते हैं चुनाव के नाम पे। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस ने एक किया है चुनाव। अभी उन्होंने देखो कांग्रेस खड़ा हुआ अध्यक्ष चुनती रही है, उन्होंने पहले तय किया कि सबसे अच्छा खड़ा हुआ अध्यक्ष अशोक गहलोत हो सकता है, तो ये उनकी गलतफहमी अशोक गहलोत साहब ने दूर कर दी कि वो खड़ा हुआ अध्यक्ष नहीं है, वो जो है आपकी खड़ाऊ नहीं उठाएंगे। तो उन्होंने फिर रातों रात देखा कि अब कौन खड़ा उठा सकता है। दिग्विजय सिंह तैयार हुए उधर से, उनको नहीं माना उन्होंने। शशि थरूर बहुत इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, उसको नहीं माना। और प्रकारांतर में कहा कि भाई जो है 10 जनपद का कैंडिडेट तो खड़गे हैं। तो इलेक्शन खेला गया, आप इसको ये कह सकते हो। हम विषयांतर भटक रहे हैं थोड़े, अपन चूंकि संविधान के इशू पे ही अपन बात कर रहे हैं कि संवैधानिक व्यवस्था में आपने जैसा फरमाया, जब कानून बनना शुरू हुआ, संविधान बनना शुरू हुआ, उसके बाद लगातार बदलाव आते गए, दल बदल कानून भी आया, पंचायत राज एक्ट भी आया, उसमें संशोधन भी हुए और लगातार बदलाव होते रहे हैं। किन किन बदलावों की अब और आवश्यकता है कि जिससे ऐसे लोग नहीं आए? पहला काम जो है चुनाव सुधार का, उसके अंदर आप लगा दीजिए कि जो क्रिमिनल केसेज जिनके ऊपर है, वो क्रिमिनल केसेज के जो जिनके खिलाफ मुकदमे, पॉलिटिकल मुकदमे तो बहुत बार हो जाते हैं लोगों पे, तो वो कोई क्रिमिनल श्रेणी के नहीं है, लेकिन हत्या के हैं, तस्करी के हैं, दो नंबर के पैसे के हैं, जिनके इस तरह का जिनका बैकग्राउंड है, उस तरह के लोगों को तो निश्चित तौर पर जो है जनप्रतिनिधि बनने से रोकने का कोई मुकदमा होने से। तो हमारे यहाँ तो जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि मुकदमे में जब तक गिल्टी नहीं है तब तक तो वो निर्दोषी माना जाता है। ठीक बात है, इस सिस्टम के हिसाब से तो 20 साल वो गिल्टी नहीं होगा। जी ठीक है, तो ये एक कोई को एक बैरियर आपको लगाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, उस क्योंकि सामान्यतः 302 के मुकदमे झूठे बहुत कम होते हैं, तस्करी के मुकदमे झूठे बहुत कम होते हैं, नहीं होते मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन बहुत कम होते हैं, वो हाई कोर्ट जाके रिबेट ले लेते हैं, कई तरह की चीजें होती हैं। दूसरा, जो चुनावी खर्च की जो सीमा है, इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम करने की जरूरत है कि चुनावी खर्च सीमा पे या खर्च पे ही। सीमा आज तय है जी, आपके विधानसभा में 25 लाख की है, लोकसभा में 70-75 लाख की है, सीमा तो तय है, लेकिन आपको हम सब जानते हैं कि इस सीमा में कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। जी। इस सीमा में चुनाव लड़ना आज की व्यवस्था में संभव ही नहीं रहा, तो कम से कम पहले दिन से ही झूठ से शुरुआत होती है। हर MLA को चुनाव आयोग के अंदर ये शपथ पत्र विथ बिल जमा कराना पड़ता है कि मैंने 25 लाख की सीमा में ये चुनाव लड़ा है। यदि उसने 25 लाख 1,000 की सीमा में चुनाव लड़ा है तो कानून ये कहता है कि वो MLA नहीं रहेगा, उसका चुनाव निर्वाचन रद्द हो जाएगा। और यदि MP में उसने 75 लाख की सीमा क्रॉस कर दी है, 1 रुपया भी ज़्यादा खर्च हुआ है, तो उसका निर्वाचन रद्द होगा। अब मुझे आप ईमानदारी से बताओ कि इस हिसाब से कांग्रेस के एक मौजूदा मंत्री ये बात सदन में कह चुके कि हम लोग बिल्कुल 2 नंबर के पैसों से चुनाव लड़ते हैं। तो अभी 2 नंबर 1 नंबर भी छोड़ो, आप पहले शुरुआत ही झूठ से कर रहे हैं, वो उन्होंने साफ कहा है, हालांकि उनका ठीक बात है, उन्होंने कहा तो मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। जी जी, कि उन्होंने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आप पहला एफिडेविट ही झूठ पे दे रहे हो। जी ठीक है, मैं देखो मैं खुद तो चुनाव नहीं, झूठ की बुनियाद पे खड़ा हुआ महल, लेकिन मैं चुनाव बहुत चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका में रहा हूँ, मुझे पता है कि ये जो है इस सीमा के अंदर कोई चुनाव नहीं लड़ता और सब व्यक्ति मैनेज करके।
तो पहला दिन ही आपका असेंबली और पार्लियामेंट में जाने का जो है वो जूट से शुरू होता है। जी बिल्कुल। तो इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, स्ट्रिक्टली काम करने की जरूरत है। एक विचार ये भी आया था कि राजनीतिक सभा होती है, वैसे आप सभा करते हैं तो 2-3 करोड़ से कम कोई सभा नहीं होती जैसे आप राष्ट्रीय स्तर के नेता की करते हैं, लेकिन चुनाव खर्च में कैंडिडेट कहता है कि साहब मेरी तो सभा 15 लाख में होगी। तो एक विचार ये आया था कि उनको सभा के लिए जगह और सारी व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाए और जो खर्चा लगाए वो चुनाव आयोग को दिया जाए। आप कर सकते हो। देखिए आपने ठीक बात कही कि राष्ट्रीय पार्टियों के जो नेता आते हैं उनका मंच ये वो सब आप वो बना दो। हाँ। चुनाव आयोग करे प्रबंध और वहां जाकर के जो अपना लोग भाषण दे। गांव में जब आपको मीटिंग करनी है तो दोनों पार्टियों के लिए एक स्थान तय हो जाए, वहां पर दोनों पार्टियों के लोग अपनी बात कह के चले जाए, दोनों तीनों जो भी प्रत्याशी है अपनी बात कह के चले जाए। तो उसके लिए जो है उनको क्यों गाड़ियां लगानी है, उनको क्यों तेल जलाना है, उनको क्यों टेंट की व्यवस्था करनी है, ये काम चुनाव आयोग का है कि पहले दिन से लेके जो इंफ्रा। भाई नेता ये कहता है कि मेरे चुनाव प्रचार का खर्च है, तो चुनाव प्रचार की सारी व्यवस्था जो है वो चुनाव आयोग कर दे जी। और नेता अपनी एक जो सिंपल गाड़ी में चला जाए जहां निर्धारित है कि 10 बजे आपके गांव में चुनाव आयोग की ओर से समय दिया हुआ है, दोनों तीनों चारों प्रत्याशी जो भी वहां चुनाव लड़ रहे सब आए अपनी बात करके अगले गाँव चले जाए। ठीक है। एक व्यवस्था ये है कि एफिडेविट पर घोषणा पत्र दिया जाए। भारत की बहुधा जनता पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी है तो इतनी जागरूक नहीं है, जागरूक है तो टाइम नहीं है उसे देखने का। क्योंकि डिजिटल माध्यम है तो चुनाव आयोग को क्या ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि उस लिखे हुए घोषणा पत्र को उन लोग पढ़ लें उनकी भाषा में, उनको अलग अलग इंस्टाग्राम पे भी डाला जाए, फेसबुक पे भी डाला जाए, जैसे लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। नहीं वो ठीक है, इससे मैं सहमत हूँ, इसमें तो कोई असहमति नहीं है कि जो जो माध्यम है उनके माध्यम से उसकी बात सामने जानी चाहिए। जैसे आप ये कह रहे हैं चुनाव आयोग एक मंच दे दे उनको और वहीं वो प्रचार करें, वहीं करें तो उसको अलग से मीडिया का भी एक मंच उनको दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो जो प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं पहले देते रहे। जैसे रेडियो पे पॉलिटिकल पार्टियों को एक टाइम का अलॉट हो गया, टीवी पे पहले अलॉट होता था कि ये ठीक है, तो अब जो जो माध्यम आपके पास में है आप उन माध्यमों से अपनी बात पहुंचाओ, उस पर समय निर्धारित किया जा सकता है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि भाई आप घोषणा पत्र समस्या जनता की ओर से भी बराबर है। पॉलिटिकल पार्टियां घोषणा पत्र दे रही है जी, ठीक है, मुझे ये बताओ कि कौन व्यक्ति उस घोषणा पत्र को, पॉलिटिकल पार्टियां तो सब टीवी पे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में करती है, घोषणा पत्र छपवाती है, घोषणा पत्र को बांटती है, कोई भी व्यक्ति उस घोषणा पत्र को पढ़ता है क्या, उस घोषणा पत्र के हिसाब से तय करता है क्या मुझे किस पार्टी को चुनना है जी। तो ये बड़ी खतरनाक बात है कि हम जिस शासन व्यवस्था को चुनते हैं जिससे हमारा भला बुरा होना तय है उसको न जो पीढ़ी चली गई वो चली गई। हमारी मैं नौजवानों को लेकर चिंतित हूँ कि वो तो उसमें सोशल मीडिया के भ्रम के शिकार हो गए, वो न घोषणा पत्र पढ़ते हैं, न पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा पढ़ते हैं, न प्रत्याशी का एजेंडा पढ़ते हैं, ठीक है, वो सोशल मीडिया पे लाइक उसमें शेयर में रहेंगे। तो नौजवानों को चाहिए अभी देश को। तो राजेंद्र सिंह जी जैसा अपनी ये बहस लंबी हो सकती है, इसको कंक्लूड करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे पास 4-5 ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें चुनाव आयोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारी विधायिका है, हमारी कार्यपालिका है और समाज है, इनमें से किसकी भूमिका या किस किस की भूमिका होनी चाहिए प्रथमतः इन चीजों को बाउंड करने के लिए कि हम इन हदों में रहें ताकि हमारे ऊपर शासन करने वाले लोग या हमारे लिए व्यवस्था तय करने वाले लोग आपराधिक प्रवृत्ति के या गैर अच्छे इरादे वाले लोग न हो। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इनकी तो हदें तय हैं जी संविधान के हिसाब से, तो सबको अपनी अपनी हदों के हिसाब से अपना रोल तो कर रखा है, उनको रोल प्ले करना है जी। अब वो कितना क्या करते हैं, बेसिकली एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज की भी उतनी की उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज से ही तो सारे लोग जा रहे हैं, इसमें पार्टियों की भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, निश्चित तौर पर पार्टियों की बहुत महती रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक राजनीतिक दल का कर्तव्य है जनता को एजुकेट करना, पॉलिटिकल एजुकेशन जो जनता को देना है, उसमें कहीं कहीं राजनीतिक दल जो है वो फेल हो रहे हैं। आप जनता को पॉलिटिकल एजुकेशन देने की बात छोड़िए, राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को भी पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं दे पा रहे, तो ये बड़ी समस्या है। ये जो ये सोशल मीडिया एजुकेशन है ये इससे काम नहीं चलेगा, इससे 21वीं सदी के भारत के सामने की जो चुनौतियां हैं उससे हम डिफीट खा जाएंगे जी। बिल्कुल। तो ये राजेंद्र सिंह भियाड़ हैं हमारे साथ, जिन्होंने हमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों से आज लबरेज किया है कि किस तरह से भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जो लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सिस्टम है किस तरह से दागी होता जा रहा है, इस दागी होते सिस्टम को बचाने की जवाबदारी संविधान ने हमारे ही ऊपर डाली है,
हालांकि उन्होंने कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया की भी हदें तय की है, लेकिन यह बड़ी जिम्मेदारी पार्टियों के ऊपर है कि वो ऐसे दागी लोगों को जनता पर शासन करने के लिए नहीं चुने, और जनता पर भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं चुने जिनको आने वाली पीढ़ियां ये कहे कि हमारे पूर्वजों ने कैसे शासक चुने कि हमारा भविष्य ऐसा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।